आपको जो आपने मुझे नियम 280 में अपने क्षेत्र की समस्या को रखने का मौका दिया। मेरे क्षेत्र में कुसुमपुर पहाड़ी एक क्षेत्र है जिस जो कि जे क्लस्टर है और लगभग 50,000 के करीबन वहाँ की आबादी है और वहाँ पर जो पानी की सप्लाई है पिछले लगभग 2.5 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक वहाँ जो सप्लाई हो रही है वो एक परिवार को उसका जो नंबर आता है 7 दिन में एक बार आता है। हमारे से पहले जो टैंकर्स वहाँ जाते थे तो उस समय 15 दिन की सप्लाई थी, लेकिन अब वहाँ पर 7 दिन की स्थिति है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि पहले तो वहाँ पर टैंकर की थोड़ी सी संख्या बढ़ाई जाए जिससे कि सप्लाई डेली या अल्टरनेटिव डेज में हो जाए। और इसके अलावा जो वहाँ के लोगों की डिमांड है वो डिमांड है कि वहाँ पर पाइपलाइन के थ्रू वहाँ पर पानी दिया जाए और ये हमारी दिल्ली सरकार का एम भी है कि हम दिसंबर 2017 तक सभी कॉलोनीज में पाइपलाइन से पानी देंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुसुमपुर पहाड़ी के लिए, क्योंकि वहाँ से जो वार्ड हमारा लाडोसराय वार्ड लगता है वो सारे के सारे लोग हमेशा हमारे साथ रहे हैं, तो और उन्होंने पूरी उम्मीद रखी है सिर्फ इतना कहने पे कि हम जल्दी ही पाइपलाइन आप लोगों को देंगे, उन्होंने पूरा साथ हमारा दिया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा गौर करें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार चाहे तो वो एक वहां विजिट करें ताकि वहां की स्थिति का पता चले कि किस तरह से अगर एक पॉइंट से निकल के अब लास्ट पॉइंट तक जाएंगे तो लगभग 20 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर लोग अपनी कैन रख के पानी भरते हैं। अभी वो मुझसे सेटिस्फाई है सिर्फ इस बात से कि मैंने उनसे वादा किया हुआ है कि हाँ यहाँ पाइपलाइन आएगी, लेकिन ये वादा तभी पूरा होगा जब माननीय मंत्री जी इस पर थोड़ा सा अमल करेंगे। यही मैं आपके जरिए से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश प्रधान जी।